हेलो दोस्तों, पढ़ते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर और ये एपिसोड हर एक पॉइंट हर एक खबर नई होती है और हर एक में कुछ ना कुछ नया मिलता है आपको सीखने को। इडियम्स हैं, फ्रेजेज हैं, टेंस हैं, पैसिव हैं, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, नए नए मीनिंग हैं और न्यूज को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब पहले ही कर लें ताकि आपको वीडियो आने वाले समय में मिलते रहें समय से। चलिए देखते हैं खबर को। 15 ईयर ओल्ड बॉय अटैक्ड फॉर फिल्मिंग फिस्ट फाइट, मॉम किल्ड ट्राइंग टू रेस्क्यू। मैं बार बार बताता हूं, ये जो हेडिंग होता है इसका ग्रामर से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, आपको समझने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये लिखा हुआ होता है। तो देखिए इसमें क्या है, 15 ईयर ओल्ड बॉय, 15 साल का लड़का अटैक्ड, उस पर आक्रमण किया गया फॉर फिल्मिंग फिस्ट फाइट। कोई आपसी विवाद कहीं चल रहा था और ये लड़का उसकी फिल्म बना रहा था, फिल्मिंग कर रहा था, जैसे मोबाइल से वीडियो बनाते हैं उस तरह से। मॉम किल्ड ट्राइंग टू रेस्क्यू, माँ की मौत हो गई है ट्राइंग बचाते हुए, टू रेस्क्यू हिम उसको बचाने पर, मतलब लड़के को बचाने के लिए माँ गई तो उसकी मौत हो गई है। देखिए इसमें आगे क्या दिया हुआ है, बहुत आराम से ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ये पहले इसका सब हेडिंग और देखते हैं। दूसरा है, द विक्टिम यशोदा देवी वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर 15 ईयर ओल्ड सन विक्की हु वाज अटैक्ड फॉर फिल्मिंग द एक्सचेंज ऑफ ब्लोज ऑन हिज सेल फोन, सेड पुलिस। पुलिस ने ऐसा बताया है कि विक्टिम यशोदा देवी, मतलब जो विक्टिम शिकार हुई है, वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर, कोशिश कर रही थी बचाने के लिए, किसको, अपने 15 साल के बेटे को, 15 साल के बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी, किसको, विक्की को, कॉमा के बाद उसके बाद में इंफॉर्मेशन आती है। तो ये विक्की हु वाज अटैक्ड फॉर फिल्मिंग, जिस पे आक्रमण किया गया था, ये पैसिव वॉइस में चला गया, हु वाज अटैक्ड फॉर फिल्मिंग, मतलब कोई वीडियो बना रहा होगा, फिल्म बना रहा होगा किसी की लड़ाई का। द एक्सचेंज ऑफ बिलो ऑन हिज सेल फोन, सेल फोन पर जो वीडियो का कुछ आदान प्रदान कुछ रहा होगा, सेड पुलिस, ऐसा पुलिस ने कहा है। देखिए यहां पर लिखा होता है टाइम्स न्यूज नेटवर्क, मतलब टाइम्स के जो न्यूज के हैं वो नेटवर्क हैं, उन्होंने सूचना को दिया है। पूरी चीज समझते रहिए साथ साथ, पूरा पहले पूरा सेंटेंस पढ़िएगा। A 15-year-old woman was killed when she intervened to rescue her son from local musclemen who were attacking him for filming a fist fight on his cell phone. ये यहां तक पूरा सेंटेंस है। तो देखिए इतना बड़ा सेंटेंस, इसको कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। एक 55 वर्षीय महिला, 55 ईयर ओल्ड वोमेन, वाज किल्ड, मारी गई, मर गई, ठीक, वाज किल्ड, ये पैसिव वॉइस में गया है। व्हेन सी इंटरवेंट, जब वह, इंटरवेंट का मतलब बीच बचाव किया उसने, व्हेन सी इंटरवेंट, जब वह बीच बचाव किया, टू रेस्क्यू हर सन, अपने बेटे को बचाने के लिए, फ्रॉम लोकल मसलमैन, जो वहां के स्थानीय बाहुबली जिसको कहते हैं उसको, who were attacking him, जो जो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा यहाँ पर, जो इनके बारे में बता रहा है, जो थे अटैकिंग हिम, जो उस पर आक्रमण कर रहे थे, फॉर फिल्मिंग अ फिस्ट फाइट ऑन हिज सेल फोन, किसके लिए, फॉर फिल्मिंग, फिल्मिंग का मतलब कोई वीडियो क्लिप बना रहा होगा उसके लिए, अ फिस्ट फाइट ऑन हिज सेल फोन, अपने सेल फोन पर उसने कुछ लड़ाई का वीडियो बनाया। द इंसिडेंट अकर्ड इन अ गुलहेरिया बाजार एरिया ऑफ गोरखपुर ऑन मंडे इवनिंग, ये मंडे की इवनिंग की बात है। द इंसिडेंट अकर्ड, मतलब घटना घटी, इन द गुलहेरिया बाजार, गुलहेरिया बाजार में, एरिया में, ऑफ गोरखपुर, गोरखपुर के गुलहेरिया बाजार में घटना घटी मंडे की शाम को। वाइल एन FIR वाज लॉज्ड ऑन ट्यूजडे, जबकि, वाइल मीन्स जबकि, वाइल जब आते हैं तो दो चीजें, एक इधर होती है वाइल की, तो ये सूचना देती है
कि एक काम कब हुआ और दूसरा काम कब हुआ। वाइल एन एफ आई आर वॉज लॉज्ड ऑन ट्यूजडे, एफ आई आर हुई है ट्यूजडे को, एंड टू पर्सन वर डिटेन्ड, और दो लोगों को डिटेन किया गया है या पहचाना गया है, नामित किया गया है। तो यहां तक ये पूरा पैरा रहा, अगले पैरा को देखिएगा। द विक्टिम यशोदा देवी वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर 15 ईयर ओल्ड सन। अब देखिए यहां से ग्रामर देखते हैं। विक्टिम यशोदा, द पहले लगाया गया, द क्यों लगता है, जब किसी चीज का जिक्र पहले हो चुका हो। अब जो यशोदा देवी हैं, जो 55 ईयर ओल्ड हैं, वो विक्टिम हैं, वो इस घटना की शिकार हो चुकी हैं, तो द विक्टिम, द किसी विशेष के लिए लगता है, तो द विक्टिम, वो विक्टिम कौन, यशोदा देवी, ये कॉमा लगने के बाद विक्टिम के बारे में जानकारी, फिर कॉमा लगाया, वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर 15 ईयर ओल्ड सन, जो कोशिश कर रही थी अपने बेटे को बचाने के लिए। विक्की कौन, विक्की को बचाने के लिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, हु हैड बीन अटैक्ड बाय बलवंत सिंह एंड हिज डॉटर खुशबू। फिर देखिएगा ये यहां तक इसका सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बारे में यहां से लेकर यहां तक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब ये इस सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक के बारे में, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन विक्की, फिर विक्की के बारे में फिर ये इंफॉर्मेशन। देखो कॉमा लगा लगा के सेंटेंस इस तरह से बनता है। विक्टिम यशोदा देवी, फिर कौन है, जो कोशिश कर रही थी अपने 15 वर्षीय बच्चे को बचाने के लिए, बच्चा कौन है, विक्की, विक्की क्या है, हु हैड बीन अटैक्ड बाई बलवंत सिंह एंड हिज डॉटर खुशबू, जिसको अटैक किया गया था बलवंत सिंह और उसकी बेटी खुशबू के द्वारा, ऐसा पुलिस ने बताया है, द पुलिस सेड। ठीक, आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू पुलिस, सिंह एंड वन प्रकाश शर्मा, पुलिस के अनुसार सिंह एंड वन, एक सिंह है कोई और एक है प्रकाश शर्मा, हैड गॉटन इनटू अ फिस्ट फाइट, उनमें एक आपसी लड़ाई हो गई। विक्की हु वाज स्टैंडिंग नियर बाई, विक्की, फिर कॉमा लगाया, देखो विक्की के बारे में, हु वाज स्टैंडिंग नियर बाई, जो पास में ही खड़ा हुआ था, स्टार्टेड फिल्मिंग द एक्सचेंज ऑफ ब्लोज ऑन हिज सेल फोन, और उसने स्टार्ट कर दिया है वीडियो क्लिप बनाना, फिल्मिंग करना उसके ऊपर अपने सेल फोन पर। सिंह बिकम एनरेज्ड एंड अटैक्ड विक्की इंस्टीट। देखिए यहां से सिंह बिकेम एनरेज्ड, सिंह को उस पर गुस्सा आ गया, उसको बुरा लगा कि भाई मेरा वीडियो बना रहे हैं, एंड अटैक्ड, और उसने आक्रमण किया, किस पर, विक्की पर, इंस्टीट, लड़ाई के बजाय उसने विक्की पर आक्रमण कर दिया, लड़ाई को छोड़ गए वो और विक्की जो फिल्म बना रहा था उस पर आक्रमण किया। व्हेन यशोदा देवी इंटरवेंट, इंटरवेंट का मतलब होता है बीच बचाव करना, जैसे दो लोगों में विवाद हो रहा हो, कोई बीच में बचाव करने वाला हो तो इंटरवेंट, तो व्हेन यशोदा देवी इंटरवेंट, जब यशोदा देवी ने इंटरवेंट किया, बीच बचाव किया, सिंह अटैक्ड हर विद अ ब्रिक, जो सिंह है उसने आक्रमण किया, हर, हर मींस उस पर, किस पर, यशोदा देवी पर, विद ए ब्रिक, एक ईंट के साथ, सी सफर्ड अ ब्लो ऑन द चेस्ट, और उसको छाती में ईंट लगी है, एंड वाज नोक्ड अनकॉन्शियस, और वो अचेत हो गई, सी डेड ऑन द वे, और वो मर गई है ऑन द वे, रास्ते में टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के रास्ते में उसकी डेथ हो गई। गुलेरिया बाजार SHO जय नारायण शुक्ला सेट, जो गुलेरिया बाजार के जो SHO हैं जय नारायण शुक्ला सेट, उन्होंने बताया, क्या बताया, पुलिस हैव डिटेन्ड सिंह एंड हिज डॉटर, पुलिस ने डिटेन किया है सिंह को, सिंह का नाम जो यहां दिया हुआ है वही है,
ये बलवंत सिंह एंड हिज डॉटर खुशबू, ये ही है यहाँ पर। जय नारायण सेड पुलिस हैव डिटेन्ड सिंह एंड हिज डॉटर, उनको डिटेन किया है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट, और हम घटना की जांच कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट एंड हैव रजिस्टर्ड अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। देखिए दोबारा देखिए, मैं आराम आराम से इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आपको एक एक शब्द समझ में आ जाए। ये मत कहना सर वीडियो इतना लंबा क्यों कर देते हैं, आराम से पढ़ाते हुए आराम से समझिए। पढ़ने के लिए समझ रहे हैं, खबर से लेना देना नहीं है, न्यूज कौन है कहाँ की इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इंग्लिश पढ़ाना उद्देश्य है। देखिए यहां से फिर इन्वर्टेड कॉमा दिया है, SHO की ही ये सूचना है, ये जो SHO है इन्हीं का दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा में है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, हम जांच कर रहे हैं द इंसिडेंट घटना की, एंड हैव रजिस्टर्ड अ केस, और रजिस्टर्ड किया है एक केस रजिस्टर्ड किया है ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है बिना इरादा के हत्या, कोई गैर इरादतन हत्या, उसको ऐसे कह सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसका मतलब कानून की भाषा में अभी समझाता हूं आपको, ही सेड, उन्होंने ऐसा बताया है। एक तो होती है हत्या इरादा के साथ, एक होती है बिना किसी इरादे के। उन्होंने कुछ जैसे उसकी मदर आई तो कुछ बीच बचाव के लिए, तो उसको मदर को एक ईंट मार दी और लग गई ऐसी कि वो अचेत हो गई। तो उसमें ऐसा है कि इरादा नहीं था उसकी मौत के लिए, इरादा था उसको ईंट के द्वारा चोट पहुंचाने का, ऐसा जो इसमें बताया जा रहा है। जिसमें इरादा ना हो मारने का फिर भी मर जाए, वो चीज गैर इरादतन हत्या। तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मर्डर करने की इरादा नहीं था। ही सेड, ऐसा किसने बताया है, SHO द्वारा। आगे देखिए, बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, जो FIR है, जो प्राथमिक सूचनाएं हैं उनके अनुसार, इट हैज सरफेस्ड दैट देयर इज एन ओल्ड प्रॉपर्टी, कोई पुरानी प्रॉपर्टी रही है, डिस्प्यूट बिटवीन बलवंत सिंह एंड प्रकाश शर्मा, एक प्रकाश शर्मा और बलवंत सिंह के बीच में कोई पुरानी प्रॉपर्टी का विवाद रहा है, इन बरगदही कोई विलेज है, वहां पर इनके बीच में विवाद रहा है, सेट शुक्ला, ऐसा शुक्ला जी ने बताया। शुक्ला जी कौन है, ये अभी आपको SHO का नाम जो दिया है। द इंसिडेंट हैज स्पार्क्ड आउटरेज इन द लोकल कम्युनिटी। द इंसिडेंट, इंसिडेंट माने घटना, एक्सीडेंट माने दुर्घटना, ये कल मैंने बताया भी था, पिछले वीडियो में मैं बता भी चुका हूं। इंसिडेंट मींस दुर्घटना, सॉरी एक्सीडेंट मींस दुर्घटना, इंसिडेंट मींस घटना। कॉलिजन का मतलब होता है टक्कर भिड़ंत, जिसमें आमने सामने से वाहन टकराते हैं, हालांकि उसको एक्सीडेंट बोल देते हैं लेकिन वो वास्तव में कॉलिजन होता है, ये नाउन होता है, और ये होता है कोलाइड, और कोलाइड में ES जोड़ के प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, और ED जोड़कर कोलाइडेड कर देते हैं, ये वर्ब का काम करता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो इंसिडेंट हैज स्पार्क, स्पार्क माने फैल जाना, आउटरेज इन द लोकल कम्युनिटी, मैनी पीपल हैव टेकन टू लोकल मीडिया, अनेक लोगों ने हैव टेकन टू सोशल मीडिया, सोशल टू डिमांड जस्टिस फॉर यशोदा देवी एंड हर सन, के लिए सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपील की है। मैनी पीपल हैव टेकन टू सोशल मीडिया टू डिमांड, मांग की है सोशल मीडिया के माध्यम से यशोदा देवी और उसके पुत्र को न्याय दिलाने के लिए। तो ये है पूरी घटना सूचना जो इसमें लिखा हुआ है, उसी के आधार हमारा उद्देश्य केवल इंग्लिश पढ़ना समझना सीखना है। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इसको एक दो बार न्यूज को पढ़िएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, पक्का समझ आएगा। और फिर मिलते हैं आपको
अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ किसी नई खबर में नई इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।